पौधों में भी विटामिन का कमी होता है, और हम कमी किस चीज़ से दूर करें, तो ये हमारा आपको दिख रहा होगा, ये लेमन है, ये लेमन है और इसमें रस भरा हुआ है। तो ये लेमन ही हमारा पौधा में विटामिन का ग्रोथ करेगा, और जो उस पर आए दिन जो फंगस आते रहता है, फंगस को भी दूर करेगा। जो काले काले कीड़ा जो बैठते हैं और हमारे पत्ते को नष्ट करते रहते हैं, उसे भी ये दूर करेगा, मिली बग को भी दूर करेगा, और जो लाल लाल कीड़े होते हैं उसे भी दूर करेगा। यानी कि जितना भी रोग लगता है, तो रोग के साथ में ये हमें शक्तिशाली हमारे पौधों को करेगा, और शक्तिशाली से हमारे पौधों में ग्रोथ आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। आज आपको जानकारी देंगे पौधों में विटामिन कैसे डालें। तो आइए इसके बारे में समझें और बताते हैं कि इस लेमन से हम अपने पौधों में विटामिन किस तरह का डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो लेमन है, तीन लेमन है, और आप यदि लेमन का रस वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो यदि आपके घर में ढेर सारे छिलका होता है, यानी 10 लेमों का यदि छिलका है आपको, तो आप छिलका से भी इस तरह बना सकते हैं। इसका बनाने का विधि आपको सारा बताएंगे, तो आप इस वीडियो को स्किप करके ज़रा भी ना देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छा और बहुत ही दमदार बनने वाला है। तो आइए इसे बताते हैं कैसे बनाना है। ये हम जो लिए हैं रस वाला लिए हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा छिलका का सामान नहीं था, यानी कि लेमन का छिलका हमारे पास उतना नहीं था, तो हम इसे क्या किए हैं, रस वाला लेमन हम इसे यूज किए हैं। क्योंकि जब हम रस इसमें डाल रहे हैं, तो 10 लेमों का ये काम करेगा हमारा, 3 लेमन। अब इसे क्या करना है, इसे आप इस चीज़ पर डाल दें। डालने के बाद आपको करना है, इस पर आप 1/2 लीटर पानी डाल दें। ये हम 1/2 लीटर पानी डाल दिए हैं। अब इसे हमें आधे घंटे तक खौलाना है, जितना भी इसका विटामिन तत्व है ये पानी में आ जाता है। इसके बाद आपको बताते हैं, खौलाने के बाद हमें इस पर और क्या मिलाकर डालना है और कितने दिन यूज करना है, तो आप वीडियो में अंत तक रहें। तो चलिए इसे हम बॉयल कर आपको बताते हैं कि इसे और क्या क्या इसमें सामान लगेगा। A few moments later. तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा इसका, इसमें जो भी तत्व था सारा इस पानी में आ गया है। और इस पानी में आने के बाद अब इसे हमको क्या करना है, समय हमारा आधा घंटा से ओवर हो गया है। अब इसे हम गैस को, यानी ये इसे बंद कर देते हैं और इसे कुछ ठंडा होने तक रखते हैं, उसके बाद इसका प्रक्रिया चालू होगा। A few minutes later. दोस्तों, आप देख सकते हैं पानी हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसे हमें क्या करना है, जो इसे है आप अपने हाथों से इसे अच्छा से मसल लें, क्योंकि हमारा इसमें भरपूर रस था, और इसे बिल्कुल ना फेंके, ये छिलके को बिल्कुल ना फेंके। इसे भी हम बताएंगे इसे क्या यूज करना है आपको। तो आप छिलके को निकाल कर इस प्लेट में हम रख लेते हैं, क्योंकि ये छिलके से भी हमारा काम और भी बनेगा इससे। अब आपको दिखाना है इसमें इसमें और क्या चीज़ ऐड करना है। तो ये रहा हमारा सोडा, ये सोडा हमारा कपड़ा धोने वाला सोडा नहीं है, ये हमारा खाने वाला सोडा है। तो खाने वाला सोडा आपको देना है 1/2 चम्मच, मात्र इतना। अब इसका आप देख सकते हैं इससे कितना अच्छा झाग बना है। तो इससे हमारा क्या क्या फ़ायदा होगा, जो हमारा तुलसी में काला काला जो कीड़ा जो लग जाता है और धीरे धीरे तुलसी को मारने लगता है, तो ये तुलसी में भी आप छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे तो हर पौधे का ये जो विटामिन है, नेमल का जो हम विटामिन बनाए हैं, ये किसी भी ऐसा कोई भी पौधा नहीं है, सब पौधा में इसका छिड़काव कर सकते हैं। इनडोर से आउटडोर तक का इस लिक्विड का आप छिड़काव कर सकते हैं। इसे खेती वाले लोग भी इसका छिड़काव करते हैं। जो बाहर से आप खाद या आप लिक्विड लाते हैं, उससे क्या होता है आपका, यदि आप कुछ खाने वाला चीज़ में छिड़काव करते हैं, तो कई जगह, यानी हमारे देश में ये कहा गया है कि वो हमारे जीवन में, यानी कि
भयंकर से भयंकर बीमारी को उत्पन्न कर रहा है, यानी कि कैंसर तक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। यदि आप घर का शौकीन होते हैं पौधे में, यानी कि खीरा ककड़ी जो भी अपने घर पे लगाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, तो इस तरह से आप लिक्विड बनाकर अपने फूलों वाला पौधा में छिड़काव कर सकते हैं, या आप अपने घर में चना गेहूँ जो भी लगा रहे हैं उस पर भी छिड़काव कर सकते हैं। और ज़्यादातर आप गुड़हल फूल का छिड़काव करते हैं, गुड़हल फूल में छिड़काव करते हैं। यदि बाय द वे फूल में छींटा पड़ गया और फूल को आप खाना चाहते हैं, क्योंकि फूल कई बीमारी में खाया जाता है, तो ये चीज़ आपका बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा और कोई भी इसमें फंगस का अटैक नहीं होगा। और दूसरी बात है, हमारे पौधों में ग्रो करेगा यानी विटामिन का काम करेगा। अब इसमें क्या मिलाना है वो बताते हैं आपको। अब इसमें मिलाना है, या तो आपके घर में हैंड वॉश होगा तो उससे मिला लें, यदि आपके घर में सेमफुल होगा, यदि सेमफुल यूज करते होंगे तो थोड़ा सा सेमफुल मिला लें। तो अब इस तरह से हम चम्मच में नाप कर सेमफुल मिला लेते हैं। मात्र एक चम्मच हमें सेमफुल लेना है, या तो आप घर का हैंड वॉश यूज कर लें या कोई सेमफुल यूज कर लें, और इसे आप स्टोर कर कर रख सकते हैं। कितना मात्रा डालना है वो सारा आपको बता देते हैं। इससे आप महीना दिन तक भी रखेंगे तो ये हमारा लिक्विड जो है ख़राब नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, इसे छान लेना है। इस चीज़ पर हम छान लेते हैं। तो ये हमारा बन गया बहुत अच्छा बायो एंजाइम। अब इसे हम क्या करना है, कितना मात्रा में डालना है वो आपको बताते हैं। ये रहा हमारा 150 ml का बोतल, और इसे आप घर पर आपके बच्चे फीस ज़रूर पीते होंगे, तो आप इस तरह का यदि बोतल है तो आप 150 ml नाप कर इस तरह का भर कर 2 लीटर में आप बना सकते हैं। यदि 1 लीटर में बनाना चाहते हैं तो इसे आधा कर लें और उस बोतल में मिला दें। तो हम इसे आधा कर लेते हैं और इसमें इस पानी में हम डाल लेते हैं, और इससे हम अपने पौधों में छिड़काव करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो आधा ml है, यानी कि आधा बोतल है, तो ये कितना अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला है। अब इसका क्या दूसरा काम है, जो ये आप डायरेक्ट आदि से रखते हैं तो आपका किचन में जो किचन को साफ करते हैं, गैस चूल्हा साफ करते हैं या अपना फर्श साफ करते हैं, तो इससे आप डायरेक्ट साफ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा घर का सफाया हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आप होटल वगैरह में खाना खाते होंगे तो आपको इतना ही छोटा नींबू देता होगा हाथ साफ करने के लिए, जिससे आपका जो तेल हाथ में लगा हुआ रहता है तो बिल्कुल तेल छूट जाता है। तो उसी तरह आपके किचन में भी ये तेल को पूरा अच्छा से साफ कर देगा, जंग जो लगा हुआ रहता है उसे भी छुड़ा देगा। तो इसे आप दो चीज़ में यूज कर सकते हैं, पौधों में यूज कर सकते हैं और अपने किचन में यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि अभी हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी दोपहर का समय है, और आपको बताते हैं कि दोपहर का समय में बिल्कुल भी पौधा में कोई भी विटामिन क्यों ना हो, चाहे कोई भी खाद ना क्यों ना हो, उसे आप दोपहर के समय में बिल्कुल छिड़काव ना करें, क्योंकि फ़ायदे के जगह आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि है तो ये एक एसिड का ही काम करता है, जो फ़ायदा जो हमें पहुँचाना चाहिए हमें फ़ायदा नहीं होगा, टाइप का पत्ता हो जाएगा। तो आप बोलेंगे हमें क्या चीज़ बताएं जो हमारा पत्ता इस टाइप का हो गया। तो ये आप अभी डालते हैं तो धूप हमारा ये जो है लिक्विड मिलके और ये धूप मिलके हमारे पौधों को जला देगा। दोस्तों आपको बोले थे हम कि इसका हम वेस्ट नहीं होने देंगे, इसे हम यूज करेंगे। तो ये हम बायो एंजाइम बनाए हैं जो बहुत ही विटामिन है, और इसे हम सालों साल चला सकते हैं। और ये हम संतरा के बनाए थे, तो ये संतरा का हमारा इसमें डेट लिखा हुआ था, तो डेट हमारा मिट गया है, पर ये हमारा अब पौधों में छिड़काव करने के लिए हो गया है। पर इसे हम जो छिलका जो है इसे वेस्ट ना करके हम इसी में डाल देंगे, इससे भी आप बायो एंजाइम बना सकते हैं। तो इस तरह का हम इसमें डाल देंगे। और बायो एंजाइम बनाने के लिए और क्या मात्रा में पड़ता है, तो इसमें गुड़ पड़ता है, जो हम पहले इसका वीडियो बना चुके हैं। यदि इसके बारे में आपको जानकारी लेना होगा तो हम आई बटन में दे देंगे बायो एंजाइम कैसे बनाया जाता है, और इससे निगरानी मनी या इससे सावधान क्या चीज़ के लिए होना चाहिए जो बायो एंजाइम बना रहे हैं। तो इससे आप बच्चों से दूर रखें ताकि ये फटने का डर रह सकता है। इसके बारे में हम सारा वीडियो बनाए हैं, यदि आपको चाहिए तो हम आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा आप।
तो इसे हम छिड़काव शाम के समय करेंगे। तो इस तरह का हमारा जानकारी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तो अपने भाई बहनों में हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।